हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तुसी कंबीनेशन ते परमुटेशन का टॉपिक कर रहे सी, जिदे विच मैं परमुटेशन का टॉपिक करा रहा सी। थोनों अपने 6 लैक्चर लग चुके हैं, डिस्क्रिप्शन दे विच थोनों उसका लिंक मिल जाएगा। हाँ जी, अज अपना डे 7 है, जिवें तुसी देख रहे हो स्क्रीन दे उत्ते डे 7 है। इहदे विच मैं थोनों कंबीनेशन का टॉपिक लैके आया है। कंबीनेशन की हुंदा है, आपां उस चीज़ सॉल्व करते हैं। जे तुहानूं वीडियो पसंद है, तुसीं इसनूं पसंद आई तो तुसीं इसनूं वध तों वध लाइक करना, शेयर करना ते सबसक्राइब जरूर करना। जो नाल ही बैल आइकोन है उसनूं प्रेस कर देना, तां जो मैं आने वाली कोई भी वीडियो पावां तां उसकी नोटिफिकेशन थोड़े तक पहुँच सके। हाँ जी, कंबीनेशन हुंदा की है आपां ये चीज़ देखते हैं। कंबीनेशन, हाँ जी, कंबीनेशन है अपने कोल। देखो जी, जो आप करते सी परमुटेशन की गल करते सी, परमुटेशन अपने कोल की हुंदा सी, अरेंजमेंट्स हुंदियां सी। आपां किन्ने नंबर ऑफ वेज दे नाल आपां नूं अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वेज, उस नूं आपां अरेंजमेंट कहिंदे सी। पर जो कंबीनेशन है उहदे विच आपां अरेंजमेंट दे उत्ते ध्यान नहीं देना, ठीक है जी। की कहिंदा है, वी आर नॉट इंटरेस्टिंग इन अरेंजिंग। आपां कोई इंटरस्ट नहीं है, आपां नूं कोई ऑब्जेक्ट किन्ने वेज नाल अरेंज हो रही है, बट ओनली इन द सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। कहिंदा आपां सिलेक्शन करनी है, आर टोटल अपने कोल एन है ऑब्जेक्ट, उन्हां विच्चों आर ऑब्जेक्ट्स दी सिलेक्शन करनी है। वी डू नॉट वांट स्पेसीफाई द ऑर्डर ऑफ दी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जो आपां सिलेक्ट किते ऑब्जेक्ट, उन्हां दा ऑर्डर नहीं आपां ध्यान रखना, कोई अपना इंटरस्ट नहीं उहदे विच। कोई कह रहा स्पेसीफाई वांट, डू नॉट वांट टू स्पेसीफाई द ऑर्डर। आपां विच ऑर्डर नहीं देखना, आपां सिर्फ सिलेक्शन देखनी है, ठीक है जी, ना कि अरेंजमेंट देखनी है। हाँ जी, आपां एग्जाम्पल लैके चलते हैं, थोनों क्लीयर हो जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल तो पहले थोनों दस देवां डिफरेंस की हुंदा है परमुटेशन ते कंबीनेशन दे विच। हाँ जी, मैं दस दिंदा थोनों। हाँ जी, कंबीनेशन दे विच की है, उन्हें दसिया कंबीनेशन दे विच आपां सिलेक्शन लेनी है। जो अपने कोल सिलेक्शन इज मेड, सिलेक्शन ही होएगी। जो परमुटेशन होएगा, परमुटेशन दे विच अपने कोल अरेंजमेंट मायने रखेगी, ठीक है। सैकेंड, अपने कोल कंबीनेशन दे विच की है, ऑर्डर ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इम मटीरियल। इम मटीरियल का की हुंदा जी, नॉन असेंशियल। जरूरी नहीं है अपने कोल कंबीनेशन दे विच ऑर्डर उन्हां दा फिक्स होवे, जां ऑर्डर अपने कोल जरूरी है, यह कंबीनेशन दे विच कोई जरूरी नहीं। बट जो परमुटेशन है, ऑर्डर इज असेंशियल, उहदे विच ऑर्डर मायने रखेगा, ऑर्डर मेन होएगा, ठीक है जी। हुण आपां कंबीनेशन दे बेस ते बेसिक तो थोड़ा सीखते हैं, भी तुहानूं बेसिक पता होना चाहिए कंबीनेशन आपां किवें सॉल्व करते हैं। फिर अगों आपां जो अपने कोल मास्टर गाइडर दे अकॉर्डिंग जो अपने कोल न्यूमेरिकल्स है, आपां उसनूं सॉल्व करांगे, ठीक है जी। हाँ जी, अपने कोल फर्स्ट है क्वेश्चन। हाँ जी, अपने कोल कंबीनेशन है, उसनों आपां किवें लिखते हैं, एन सी आर, ठीक है जी। जो परमुटेशन सी उसनों आपां एन पी आर दे नाल लिखते सी, परमुटेशन सी पी है, ठीक है जी। तो कंबीनेशन नूं आपां एन सी आर नाल लिखांगे। इसनों सॉल्व करन दा की तरीका है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इस चीज़ नूं तुसीं ध्यान नाल देखना है। जो परमुटेशन सी अपने कोल एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल हुंदा सी, बट जो कंबीनेशन है, जो आपां ऑर्डर सिलेक्ट किया, उहदे नाल अपने कोल आर फैक्टोरियल भी डिवाइड होएगा नाल। डिफरेंस तो होएगा ही होएगा, बट आर फैक्टोरियल भी डिवाइड होएगा, ठीक है जी। तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ जी, आपां एग्जाम्पल करते हैं। मान लो अपने कोल कोई भी है 10C4 है, कहिंदा तुसीं इसनूं सॉल्व करो। हाँ जी, कंबीनेशन आ गया, सी आ गया, पता लग जाएगा। तो अपने कोल की हुंदा है, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो इसनूं सॉल्व कर लो, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। इसनूं सॉल्व करांगे, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई
6 फैक्टोरियल, देखो 6 फैक्टोरियल नाल 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 4 जर 8, 4 नाल 4 कैंसिल, 3 3 जर 9, तो अपने को कितना आ गया 7 3 21, 21 नु 10 ना कितना 2 10, ये अपने को कंबीनेशन आ गया जी, सिलेक्शन हो गई। ठीक है जी अपने को, हाँ जी नेक्स्ट है अपने को, हाँ जी अपने को सेकंड है 10C4 प्लस 10C5, इन्हें दोनों आपको प्लस करना है, पहले इन्हें सोल्व कर लिए फिर इन्हें सोल्व कर लिए प्लस कर दिए। हाँ जी इसको सोल्व करो, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। हाँ जी 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। हाँ जी इन्हें सोल्व करो, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल प्लस 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। फैक्टोरियल सॉल्व करना हम भैया परमुटेशन में आप दस ही है, मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, देखो 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 जर 8, 4 नाल 4 कैंसिल, 3 3 जर 9, 5 2 जर 10, इनू कटिंग कर देने हैं, 6 फैक्टोरियल नाल 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 जर 8, 4 नाल 4 कैंसिल, 3 3 जर 9। हाँ जी की बच गए थे 7 3 जर 21 मल्टीप्लाई 10 2 10 प्लस, इतने अपने की बच गया अपने को 7 6 जर 42 42 2 जर 84 84 3 जर मल्टीप्लाई कर लो 252। ठीक है जी प्लस कर देना अपने को कितना आ जाएगा 462 अपने को आंसर आ गया सॉल्व करके। ठीक है जी ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन भी आ सकता है, मान लो ऑप्शन दे विच 462 देता 355 देता सॉल्व करके तुसी इसनों आंसर निकाल सकते हो। ठीक है जी, हाँ जी नेक्स्ट करते हैं, हाँ जी अपने को डिफरेंस फाइंड करना है। हाँ जी ऑप्शन है अपने को 276 376 576 ते नॉन ऑफ दीज, बायस सॉल्वेशन कर लेने हैं, ये अपने को बन गया 25 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 22 फैक्टोरियल 25 माइनस 22 फैक्टोरियल माइनस 24 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 24 माइनस 21 फैक्टोरियल। हाँ जी 25 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 22 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 22 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल सॉल्व करता 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मान लिख सकते हैं सीधा, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हैं 24 फैक्टोरियल नू लिख सकते 21 तक है, 23 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 21 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल है तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते। हाँ जी 21 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 8 जा 24 2 4 जा 8, हाँ जी 22 फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल कैंसिल, हाँ जी 3 8 जा 2 4 जा, की बच गया अपने को 25 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 23 माइनस 4 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 22। हाँ जी इसनों सॉल्व कर लो, हाँ जी सॉल्व किया अपने को 2300 है, इन सॉल्व किया अपने को 2024 माइनस कर लो अपने को 276 आ जाएगा,
ठीक है जी 276। तो अपने को ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी अपने को कुछ कंबीनेशन दियां प्रॉपर्टीज है, आप प्रॉपर्टीज कर लेने हैं, उस तो बाद अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने बहुत वधिया अपन मैथड पता लग जाएगा। हाँ जी मान लो अपने को फोर आर की वैल्यू जीरो तो एन के विचकार लाई कर रही है, आर की वैल्यू जीरो भी हो सकती है तो एन के इक्वल भी हो सकती है, ठीक है जी। इसका की मतलब है अपने को एन सी आर कंबीनेशन आप एन सी आर ना लिखते हैं, अपने को होंगे एन सी एन माइनस आर, जो अपने को एन सी आर है वो एन सी एन माइनस आर दे इक्वल हो सकता है, ये अपने को फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इन एग्जाम्पल देखते हैं अपने को टेन सी एट है वो कि इक्वल होएगा, एन तो सेम है टेन सी एन माइनस आर मीनस टेन माइनस एट टू, एन सी एट की वैल्यू एन सी टू मीनस ए टेन सी एट टेन सी टू दे इक्वल होएगा, मीनस आप तुसी प्रॉपर्टी याद रखनी है। इसनों सोल्व करके देख लो तुसी, अपने को टेन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एट फैक्टोरियल, टेन माइनस एट फैक्टोरियल, टेन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल, टेन माइनस टू फैक्टोरियल, की बन गया टेन फैक्टोरियल एट फैक्टोरियल मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू टेन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल ते एट फैक्टोरियल। देखो सेम ही है, टेन फैक्टोरियल है अपने को एट ते मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई च है नीचे, इतने भी अपने को मल्टीप्लाई च है नीचे, ठीक है जी। इट मीनस एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस एन माइनस आर दे इक्वल होएगा, ये अपने को फर्स्ट प्रॉपर्टी सी। जो अपने को सैकेंड प्रॉपर्टी है, सैकेंड प्रॉपर्टी है एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, मीन इतने कोई भी टर्म हो सकती है एक्स से वाई, एदा की मतलब है देखो एन सेम है, एन सेम अपने को टोटल नंबर सेम है, जो आर दी वैल्यू एक एक्स है एक वाई है ये डिफरेंट है, एदे विच कंडीशन दो बन सकती है, जा एक्स इज इक्वल टू वाई बन सकता है, ठीक है, जा अपने को एक्स प्लस वाई वह अपने को एन दे इक्वल हो सकता है, इन्हां विचों दोनों विचों कोई भी एक कंडीशन फॉलो करती है स्टेटमेंट दे विच तां अपने को प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। प्रॉपर्टी कदों होल्ड करूगी, जो अपने को एन ते आर की होणगे अपने को नॉन नैगेटिव इंटीजर होणगे दैन प्रॉपर्टी विल होल्ड। जे अपने को एन ते आर इंटीजर होणगे बट नैगेटिव विच नहीं होणगे मीनस नॉन नैगेटिव इंटीजर होणगे दैन ए वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है जी। ये अपने को सैकेंड सीगा। जो अपने को थर्ड प्रॉपर्टी है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर होएगा। देखो जी ये अपने को की है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, एन सेम है एक आर है एक आर तो एक घट है, दोनों चीजा प्लस के विच है तो उसका रिजल्ट की होएगा एन प्लस वन सी आर, आर की वैल्यू तो अपने को बिगर टर्म वाली आएगी उपर एन प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। एन प्लस वन हो जाएगा, आर अपने को बिगर आर वाला आएगा जिड़ी दोनों टर्म चो आर बिगर होएगा। हाँ जी ये भी कंडीशन है एन ते आर अपने को होने चाहिए है नॉन नैगेटिव इंटीजर होने चाहिए है ता ही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो अपने को आर लैस दैन इक्वल टू एन होना चाहिए है, जो अपने को आर की वैल्यू है जा एन दे इक्वल होवे ते जा अपने को लैस होवे, बिगर आएगा तो अपने को नैगेटिव आ जाएगा मीनस नैगेटिव आप पहले ही कह के आते हैं नॉन नैगेटिव इंटीजर होना चाहिए है, ठीक है जी। हाँ जी आप एक एग्जाम्पल कर लें, हाँ जी अपने पहले सम है 18 सी आर इज इक्वल टू 18 सी आर प्लस टू फाइंड आर। हाँ जी दस्या सी जे एन अपने को सेम है, ये अपने को एक्स है ये अपने को वाई है, दो कंडीशन सीगियां जा एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए जा एक्स प्लस वाई एन दे इक्वल होना चाहिए,
देखो एक्स वाई दे इक्वल तो है ही नहीं, इतने अपने को आर है, इतने आर प्लस टू है, तो अपने को एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन आप कर सकते हैं। एन की वैल्यू अपने को कितनी है जी, 18 है। हाँ जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, एक्स कि अपने को आर प्लस वाई की वैल्यू अपने को आर प्लस टू, एन की वैल्यू अपने को 18, टू आर प्लस टू इज इक्वल टू 18, टू आर इज इक्वल टू 18 माइनस टू, उधर जाके माइनस हो गया, टू आर इज इक्वल टू 16, आर की वैल्यू अपने को कितनी आ गई जी 8, इधर डिवाइड हो गया 2, 16 बाय 2 अपने को 8 हो गया, तो अपने को आर की वैल्यू इतने अपने को 8 आ गई। क्लियर है जी, बस तुम प्रोपर्टीज नू याद रखना है, प्रोपर्टीज नू माइंड में रखना है, तो अपने वास्ते कोई भी सम अपने टफ नहीं होएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है अपने को, हाँ जी अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन 47C4 प्लस 5 समीशन आई 1 to 5 है। देखो समीशन का मतलब होंगे जी प्लस, आई की वैल्यू 1 to 5 तक चल रही है, तो 52 माइनस आई सी 3 की आप वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो जी अपने को 47C4 उवें रह गया प्लस आई की वैल्यू आप 1 फिल करते हैं, तो कितना होगा 52 माइनस 1 51 रह गया C3, समीशन मीन्स प्लस है, प्लस चल रहा है, तो 1 2 फिल करके देख लो अपने को 50C3, 3 फिल करके देख लो 49C3, 4 फिल करके देख लो 48C3 प्लस 5 अप टू 5 कह रहे हैं, 5 फिल करो 52 माइनस 5 47C3। इस चीज की आप करनी है जी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका आंसर की आएगा। हाँ जी देखो अपन सम बहुत लेंथी लग रहा है, पर एक्चुअल लेंथी नहीं है, जो तुम्हें प्रोपर्टीज कही है तुम वो प्रोपर्टीज याद रखना है तो अपने सौखा हो जाएगा। हम ध्यान देखना, मैं एक प्रोपर्टी कही सी, इतने मैं प्रोपर्टी लिख देना, प्रोपर्टी अपने को एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर, ये अपने को सैकेंड प्रोपर्टी आप की सी, थर्ड प्रोपर्टी इसको तुम्हें याद रखना है प्रोपर्टी। देखो एन सेम आना चाहिए, देखो जी अपने को 47 से 47 आ वाली चीज अपने को की है जी सेम है, आर का डिफरेंट है, एक आर 4 है इतने, एक आर एन आर माइनस 1 3 है। ठीक है जी, इधर आंसर की आएगा एन प्लस 1 सी आर, मीनस इधर अपने को बन जाएगा, ये अपने को 47 है, अपने को 48 बन जाएगा। ठीक है जी, 48 सी आर, आर मीनस 4, क्योंकि आर अपने को बिगर टर्म लेनी है। ठीक है जी, आर की वैल्यू आप बिगर टर्म, बिगर आर जो होएगा आप लेंगे। ठीक है, फिर अपने को रह गया सेम रह गया अपने को 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3। हम सेम फिर 48 वाली टर्म सेम है, एक आर डिफरेंट है। ठीक है जी, ए वाली टर्म है अपने को एक प्लस हो जाएगा, अपने को बन जाएगा 49C4, क्योंकि 4 अपने को आर वड्डा है, आर वड्डा लेना आप, प्लस 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 अपने को रह गया। अगेन फिर कर दो, ए वाली टर्म अपने को सेम है, तो अपने को बन जाएगा 50C4 क्योंकि आर वड्डा है, प्लस 51C3 प्लस 50C3। अगेन फिर आप प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, अपने को 51C4 प्लस 51C3, देखो जी फिर सेम हो गया, तो अपने को बन गया 52C4। ऑप्शन के जिसन सोल्व किया होया इसन सोल्व कर लेना, अदरवाइज कंबीनेशन के ही लिखा होएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत अपने को लेंथी बन जाएगी। ठीक है जी, अपने को 50C4 अपना इसका आंसर आ जाएगा, जो अपने को एक्सपेंशन गिवन सी। बस तुम्हें प्रोपर्टी माइंड च रखनी है, जो अपन 3 प्रोपर्टीज मैं तुम्हें दसी है इसमें तुम्हें माइंड में रखना है। हाँ जी अज के लैक्चर में आप करा
कल फिर कंबीनेशन बेस के उत्ते ही मैं टॉपिक लेके आवांगा। जे वीडियो पसंद है तो इसे वो तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर दसना एंड प्रेस द बैल आइकन टू गैट द नोटिफिकेशन। जो नवे कैंडीडेट मेरे न जुड़े ने, फस्ट टाइम भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सबसक्राइब जरूर कर देना। यही तो मेरी यही तो मोटिवेशन मैं मिलती रहेगी। ठीक है जी, हाँ जी, हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स।